किसी भी कंप्यूटर को काम करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसे समान तौर पर देखना चाहें तो हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर होता है और सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर इत्यादि। लेकिन कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर स्वयं कार्य नहीं करता। किसी कार्य को संपादित करने के लिए हार्डवेयर को निर्देश की आवश्यकता होती है और यही कार्य सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व निर्देशों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है कि किस हार्डवेयर को कौन सा कार्य करना है। सॉफ्टवेयर को ना हम छू सकते हैं और ना हम देख सकते हैं। हम कार्य पद्धति के आधार पर हार्डवेयर को चार भागों में बांट सकते हैं, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, सिस्टम यूनिट, आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइस की मदद से कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और निर्देश को भेजा जाता है। इनपुट यूनिट उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देश प्राप्त कर उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है और उसे प्रोसेसिंग के लिए प्रस्तुत करता है। लेकिन कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेतों 0 और 1 को समझता है, इसलिए सभी इनपुट डिवाइस इनपुट इंटरफेस की मदद से डेटा और निर्देशों को बाइनरी संकेत में बदलते हैं, फिर प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट को भेजता है। इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक इत्यादि। कोई भी इनपुट डेटा या निर्देश प्रोसेस होने से पहले मेमोरी यूनिट में कुछ देर के लिए होल्ड होता है, फिर इस प्रोसेस द्वारा प्राप्त सूचना और परिणामों को भी मेमोरी में रखा जाता है। इस प्रकार मेमोरी को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी। इसे सामान्य तौर पर आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रोसेसर के पास होता है। प्राथमिक मेमोरी में चल रहे प्रोग्राम तथा उनके इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। इस मेमोरी का आकार सीमित होता है लेकिन इसकी गति बहुत तेज होती है ताकि जब भी किसी डेटा की जरूरत हो इसमें से तुरंत लिया जा सके। कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर मेमोरी से सारी सूचना भी समाप्त हो जाती है, इसलिए इसे अस्थायी यानी वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी के कुछ उदाहरण हैं रैम, रोम, रजिस्टर, कैश मेमोरी। इनमें रजिस्टर और कैश मेमोरी प्रोसेसर के भीतर बने होते हैं। द्वितीयक या सहायक मेमोरी, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी बहुत महंगी होने, बिजली बंद कर देने पर उनमें रखी अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाने के कारण ना तो हम इसे इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं और ना हम उनमें कोई सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हमें सहायक मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है। इस मेमोरी में डेटा, सॉफ्टवेयर तथा अंतिम परिणामों को अस्थायी रूप से संग्रहित कर सकते हैं। सहायक मेमोरी में कम खर्च में विशाल डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है और कंप्यूटर ऑफ कर देने पर भी इसमें डेटा नष्ट नहीं होती जब तक हम स्वयं इसे डिलीट ना करना चाहें। इसके कुछ उदाहरण हैं हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक डिस्क इत्यादि। सिस्टम यूनिट, किसी भी पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट उसका प्रमुख हार्डवेयर होता है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स की तरह होता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अलावा कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सिस्टम यूनिट में ही स्थित होते हैं। सिस्टम यूनिट पर समान तौर पर पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, सीपीयू, मुख्य मेमोरी और कई तरह के स्लॉट और पोर्ट होते हैं। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू, रैम, रोम और मेमोरी इत्यादि उपकरण लगे होते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी विभिन्न पोर्ट के माध्यम से इससे जुड़े होते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है तथा उससे संबंध स्थापित करता है और डेटा प्रोसेसिंग,
में भी मदद करता है। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने, सुनने या प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसके उदाहरण हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।